सबसे पहले बैलेंस को लेवल करें। इसको ऊपर वाले नोक को नीचे वाले से मिलाएं। उसका मिलाने का तरीका ये है, नीचे वाले लेवल स्क्रू से इसको तब तक जब तक उसके ऊपर से ऊपर ना मिल जाए तब तक इसको नीचे ऊपर चलाते हैं। इसको मिलाने के बाद ये देख रहे हैं आप, ये बीम है, ये स्टोन है। स्टोन की ही धार की कीमत होती है। उसको ऐसे टेढ़ा करके यहाँ ले जाएं, इसको ऐसे टेढ़ा करके इसके ऊपर ले जाकर फिर इसको नीचे छोड़ें। और इसको आप देख रहे हैं नीचे ये हैंडल है, इसको ऊपर की तरफ करें। देख रहे हैं ये ऊपर आ गया। अब ये जो गोल है इसको इसके ऊपर टिकाएं, और ये वी टाइप है ये इसके ऊपर टिकाएं। ये देख रहे हैं आप ये चीज़, ये इसके ऊपर टिकेगा और ये चीज़ इसके ऊपर टिकेगा ऐसे। और इसको ऐसे फिर ये सीधा सेंटर सुई यहाँ नीचे आएगा। उसके बाद ये एक निशान ये आप देख रहे हैं, ये डॉट का निशान। और उसी तरह इसमें भी एक निशान, ये बाएं तरफ रहेगा, दो निशान का दाएं तरफ रहेगा। इसको इस तरह से नीचे वाले हुक में लटकाएं। आपने देखा इस तरह से, इसमें लटका कर फिर आप इसको ऊपर ले जाएं, इसके अंदर डालें और इसको इस तरह से, ये आपने देखा, इसको इन दोनों खूंटियों के ऊपर आराम से टिका दें। इसी तरह से ये दो डॉट निशान ये देखिए, ये निशान, ये निशान। इसी तरह से इसको भी नीचे वाले हुक में ऐसे लटकाएं और फिर ये एयर डंपिंग कफ के अंदर डालें और ऐसे इसको भी लगा लें। ऐसे दबा के देखें ये इसके अंदर चल रहा है। अब आप देख रहे हैं आप ये चैन है, इसके अंदर इसको पकड़ कर ये गोल राउंड का हैंडल इसमें नॉब लगा लें। एक मिलीग्राम से 100 मिलीग्राम तक चलता है, ये आपने देखा 0 से 0 मिल गया है। अब 0 से 5, 10, 15, 20, 25, 31, 32 यानी इसी तरह से ये 100 मिलीग्राम तक ये आपका 100 आ गया, 0 to 100 यानी 1 मिलीग्राम से 100 मिलीग्राम तक ये काम करेगा। इसको हम उल्टा 0 पर लेते हैं, ये 0 से 0 मिल गया। ये आप हुक देख रहे हैं, इस हुक को
हम इसके अंदर लटकाएंगे ऐसे, ये ऐसे। अब ये दोनों हैंगर हैं, आप देख रहे हैं, इसमें एक डॉट का निशान है, कि आपने देखा इसमें भी एक डॉट का निशान है, ऊपर देखिए एक डॉट का निशान है, इसमें देखिए एक डॉट का निशान है, इस बीम के अंदर भी एक डॉट का निशान है। एक निशान वाला एक निशान से मिलाया जाएगा, जैसे ऐसे। अब ये ऊपर वाले हुक में लगेगा, ना कि नीचे वाले। नीचे वाले में एयर डैम्पिंग कफ लगा है, हुक लगा है, और ऊपर वाले में पेन लटकाया जाएगा। इसी तरह से दूसरी तरफ भी ये आप देख रहे हैं दो डॉट का निशान है, ये दूसरा, ये दो की तरफ लगेगा। ये देखिए दो का निशान है, एक दो। इसी तरह से इसमें भी लगा है, इसी तरह से पेन बीम के अंदर भी लगा है। अब ये दो की तरफ ऐसे थोड़ा कम करने से पकड़ कर लटका दिया जाएगा, और ये आप देख रहे हैं ये राइडर है। इस राइडर को हम ये देख रहे हैं, ये राइडर आपका चल रहा है, इसके अंदर लगाएंगे। इसको हम ऐसे ऊपर करके इसके ऊपर लाएंगे, और वो जो खांचे का निशान बना है उसी के अंदर इसको नीचे करके लगा देंगे। आप देख रहे हैं एक खांचे में बैठ गया, जैसे ऐसे हमने हिलाया तो खांचे में बैठ गया है, पूरा हिल रहा है। अब इसको हम रोक देंगे और इसको ऊपर करके इसको साइड में लगा देंगे। अब हम बाएं दाएं गेट को बंद करेंगे और ऊपर ये इसको लगाएंगे। हाँ, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो गोल नट है ये जीरो मिलाने के लिए बाएं दाएं दोनों तरफ, लेफ्ट राइट दोनों साइड, इसको हमने ऊपर से बंद किया इस तरह, ये आके यहाँ लॉक पर रुक गया। अब इससे नीचे करने के लिए हम इसको दाहिने तरफ यानी राइट तरफ हम इसको पुश करेंगे, खींचेंगे, और इसको लाकर आराम से नीचे छोड़ देंगे। अब ये जो स्केल है, जैसे सुई थोड़ा इधर है, लेफ्ट या राइट है, हम इसको बीम को पकड़ेंगे और इसको ऐसे दबा देंगे, ऐसे दबा के इसको हम बीचों बीच किस निशान पर लाएंगे जो सही रीडिंग दे। आपने देखा ये सेंटर में आ गया। अब इसको हम नीचे कर दिए। अब इसको हम चलाकर देखेंगे कि सुई किधर जा रही है। ये आपने देखा राइट साइड चली गई, इसका मतलब लेफ्ट में भारी है, राइट में हल्का है। इसको हम बंद करेंगे ऐसे गोल नाप से। आप फिर दोबारा देख लीजिए, राइट में गया, इसका मतलब लेफ्ट में वजन ज़्यादा है और राइट में कम है। इसको हम बंद करेंगे। अब वही हमने जो आपको बताया था, एम नट इसको बोलते हैं, हमने इस गेट को खोला, ये है एम नट। इसको हमने इस तरह से
इस तरह से घुमा के बाहर की तरफ किया, क्योंकि वजन जब इधर जाएगा तो एमनट का वजन इस साइड ही जाएगा, ये वजन का दबाव सुई के ऊपर पड़ेगा। यहाँ पर देखिए अब भी इधर ही जा रहा है। फिर हमने बंद किया, फिर इसको घुमा दिया, फिर हम इसको चलाए। अब देखिए अभी भी राइट जा रहा है। हमने फिर इसको गेट को खोला और इसको घुमा दिया, फिर हम चलाकर देखेंगे नीचे स्केल इस जगह पर। अब देखिए आप, वजन इधर ज़्यादा हो गया, इधर कम हो गया। अब हमें उल्टा घुमाना है, उसी नट को हम अभी उल्टा घुमाएंगे। आपने देखा, हम उस नट को भी बाहर निकाल सकते हैं, जैसे ये है, इसको हम बाहर की तरफ निकाल सकते हैं, मगर वो खुला हुआ है, इसलिए हम पहले उससे ही एडजस्ट करें। अब आप देखिए कि बिल्कुल सेंटर में आ गया है, देखा आपने, बिल्कुल सेंटर है। इस तरह से हम जीरो मिलाएंगे स्केल और सुई, काले सुई पॉइंटर, स्केल पॉइंटर के अंदर जो निशान लगा है उसके ऊपर काला पॉइंटर जो है काले रंग का, नीचे आप देखिए वो सेंटर में आना चाहिए। सेंटर आते ही बैलेंस सही हो जाएगा। अब ये आप जो देख रहे हैं, ये जो क्लिप लगा हुआ है, इधर भी निशान लगा है और इधर भी निशान लगा है, नीचे की तरफ छेद बना हुआ है, सुराख। नीचे की तरफ दिखाना, ये आपने देखा ये सुराख, इसको अगर हम खोल देंगे तो ये बैलेंस आपका चलकर रुकेगा। देखिए सुई चल रही है, बराबर ये चलती जाएगी, धीरे धीरे वो घटती जाएगी। आपने देखा इधर भी 10 गया, उधर भी 5 गया, अब ये धीरे धीरे घट रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये बैलेंस जल्दी रुके, हमारा समय नष्ट ना हो, तो आप इसको बंद कीजिए और इसको क्लिप को जो नीचे गैप बना हुआ है उसको ऐसे बंद कर दीजिए, ये ऐसे ये बंद हो गया नीचे का गैप। अब इसको रोक कर अब हम देखिए चलाते हैं, बैलेंस जल्दी रुक जाएगा। ये देखिए ये आकर आपका एक ही राउंड में रुक गया, इसका मतलब आपका समय भी बचा और आप काम जल्दी जल्दी करेंगे। अब दूसरी चीज़ ये है, जैसे ऊपर राइडर लगा हुआ है, ये पोजीशन आप देख रहे हैं, ये हमने इसको खांचे में बैठा दिया। अब ऊपर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट में 1 लिखा हुआ, मतलब 1 ग्राम, 0.9 के बाद 1000 मिलीग्राम 1 ग्राम होता है। तो आपका
एक ये 100 मिलीग्राम से लेकर 1000 मिलीग्राम तक वेट देगा, और ये जो चैन है जो ये आप देख रहे हैं 1 मिलीग्राम से 100 मिलीग्राम तक वेट देगा। यानी कुल मिलाकर आपका जो फ्रैक्शनल वेट आप इस्तेमाल करते हैं वो इसमें इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। अब मैं आपको